दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ की बैठक, लिया अहम फैसला। जी हां, आपको बताया चले कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में सीवर सिस्टम को लेकर एक बेहद ही अहम फैसला लिया। बताया चले कि दिल्ली में अब सभी ट्रक सीवर की सफाई और डिसिल्टिंग का काम नियमित तौर पर किया जाएगा और सीवर ओवरफ्लो को रोका जाएगा। सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि दिल्ली के सभी ट्रक यानी बड़े सीवरों की सफाई और डिसिल्टिंग का काम पूर्व की सरकारों में आज तक नहीं किया गया था, जिसे अब युद्ध स्तर पर करने का आदेश दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के इन प्रयासों के बाद जल्दी सीवर ओवरफ्लो से दिल्ली की जनता को निजात मिलेगी। दिल्ली जल बोर्ड के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीवर सिस्टम को लेकर बेहद ही अहम फैसला लिया। आईटीओ के पास बस न रोकने वाले चालक पर की जा रही है सख्त कार्रवाई, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी जानकारी। जी आज आपको बता दें कि डीटीसी बस की ड्राइवर की मनमानी का एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि बस स्टॉप पर खड़ी तीन महिलाओं को देखकर ड्राइवर बस नहीं रोक रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आरोपी चालक को सस्पेंड करने का आदेश दिया था। वहीं अब आज ट्वीट कर जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज बताया कि चालक व अन्य स्टाफ की पहचान कर ली गई है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसी भी चालक द्वारा इस तरीके का व्यवहार कतई स्वीकार्य नहीं है। मैं यात्रियों से अपील करता हूं कि वे यदि कहीं भी इस प्रकार का कुछ देखें तो वीडियो बनाकर साझा करें, सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि आप सोशल मीडिया देख सकते हैं।